सरगुजा में आजकल मैनपाट कार्निवल महोत्सव की धूम मची है। देश विदेश से कलाकार अपना जौहर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं मिलने से कलाकार दुखी नजर आए हैं। स्थानीय कलाकारों ने अपनी पीड़ा को बयान किया है। स्थानीय कलाकार कार्यक्रम की तैयारी एक सप्ताह पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से इन कलाकारों को समय देने के बाद भी मौका नहीं मिला, जिससे वो नाराज हैं। तो मेरे साथ जो है मैनपाट महोत्सव में हर साल यानी मनाया जाता है, तो जो है अपने सरगुजा क्षेत्र से कलाकार लोगों को भाई वहाँ कार्यक्रम करवाते हैं, तो मैं सोचा कि आप अपने जैसे जिला प्रशासन से मैं आवेदन दे करके यहाँ कार्यक्रम करूँगा, कह के बड़ा उत्साहित हो करके मैं कार्यक्रम करने के लिए मेरा कलाकार लोगों को मैं बुला लिया, बातचीत कर लिया, लेकिन जो है मेरा जो है कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। तो मेरे को जो है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं कार्निवल में कार्यक्रम करना था मेरे को, लेकिन कलेक्टर साहब ने उसको कैंसिल करवा दिए। मेरे को जो है 13 तारीख तीसरा महीना 2022 में मेरे को 1 बजे से लेकर 20 मिनट तक मौका दिया था, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो है कार्यक्रम को मेरा भाई मना कर दिया कि मैं छोटा कलाकार समझ करके भाई कैंसिल करवा दिया गया। तो आपने जो है अपना कलाकार लोगों को जो है बहुत दूर दूर से थे, बिहार पटना से, मैं अपना कलाकार लोगों को 1000 रुपया 1500 2000 एक कलाकार को दे रहा था अपना पॉकेट से, करीबन 40,200 आसपास का एस्टीमेट में मैं जमाया था। तो ऐसा कोई भी कलाकार के साथ ना हो, जिला प्रशासन या कोई भी कलेक्टर, अपर कलेक्टर या कोई भी कलेक्टर साहब रहे, लेकिन कोई भी कलाकार को इस टाइप से भाई नहीं होने देना है। हाँ भाई, स्थानीय लोगों को भाई मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को प्रमुखता से मौका देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाकारों के क्या हाल हैं वो आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मंत्री जी का ये बयान सुन लीजिए। बहरहाल स्थानीय कलाकार और मंत्री के बयानों से विरोधाभास नजर आ रहा है। कलाकार जहां अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं मंत्री जी के शब्द कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम होगा, देखो कुश्ती वगैरह क्या क्या और होगा? कुश्ती का होगा, लोक संस्कृति का आयोजन होगा, कविता का आयोजन होगा, तो बहुत प्रकार का टेस्ट है इसमें, आप देखिए। स्थानीय कलाकारों को कैसा मौका दे रहे हैं? जबरदस्त, मस्त। पंजाब केसरी के लिए अंबिकापुर से जयप्रकाश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।